Hello guys, welcome back to our channel, Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to give our genuine review on the movie Brahmastra. Yes, हम ब्रह्मास्त्र का रिव्यू लेके आ गए हैं गाइस आप लोगों के सामने. पहले हम लोग थोड़ा अपना टाइम निकाल लिए ये मूवी देखने के लिए ताकि हम अपना भी थॉट्स प्रेजेंट कर सके आप लोगों के सामने. यस, तो चलिए शुरू करते हैं. आज का वीडियो यही है, कंप्लीट रिव्यू ऑफ मूवी ब्रह्मास्त्र. सो यस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्लीज क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल. यस, एंड आल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. या तो चलो शुरू करते हैं. यस, तो एकदम शुरू से बता देते हैं इस मूवी का कास्ट. सब बड़े बड़े कास्ट है इस मूवी में. रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, देन साउथ से हमारा किरणी नागार्जुना सर है एंड शाहरुख खान जी है द किंग खान. केमियो एकदम स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के अंदर ही है वो. हाँ, एकदम स्टार्टिंग में ही उनका मतलब पूरा इंट्रो सीन आप बता सकते हैं कि उन्हीं का था. एंड सबसे बड़ा जो एक्टर है इस मूवी का वो है अमिताभ बच्चन सर. ओके, एंड ऑल्सो मौनी रॉय. तो सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस है सब कोई टैलेंटेड है. लीड में जो भी थे ये लोग ही लीड में है और इन लोग को छोड़ के भी बहुत सारे जो एक्टर तो वो लोग भी अपने लेवल में बहुत बहुत अच्छा एक्टर है. तो स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि ब्रह्मास्त्र एक अस्त्र है ऑफ कोर्स एंड उसका तीन हिस्सा तीनों जगह पे है. ओके, तीनों रखवाले हैं उसका एंड उसी के बेसिस पे ये मूवी धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि ओके और इसी ये का खोज ऐसा, जारी ऐसा, है ब्रह्मास्त्र ऐसा चीज है. और ये एक चीज अच्छा लगा जो कि इनिशियली में स्टार्टिंग में जो स्टोरी का जो नरेशन था क्या ब्रह्मास्त्र है कैसा है उसका ओरिजिन हुआ वो सब लेकर के एक थोड़ा सा शॉर्ट समरी काइंड ऑफ ब्रीफ है उसमें तो वो अच्छा लगा सुनकर. और वो अमिताभ बच्चन सर का जो एकदम वॉइस है हेवी वॉइस उसमें सुनने को बहुत अच्छा लग रहा था. मतलब आप एक माइथोलॉजिकल वे में एक स्टोरी लाइन में भी आप घुस जाओगे कि ओके दिस इज द थिंग एंड दैट इज द वे बाय व्हिच द स्टोरी विल बी यू नो गोइंग ऑन. तो आपको समझ में आ जाएगी पहले एकदम इनिशियली में ही. तो उसके बाद हम देखते हैं कि मौनी रॉय उस चीज को चुराने के पीछे है एंड शी इज द डेमन कैरेक्टर. एंड उनका जो अपीयरेंस था शी वॉज कम्प्लीटली इन ब्लैक एंड हर आईज वर लाइक शी वॉज काइंड ऑफ डेविल. शी वॉज डेविल राइट. एंड उनका एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त था. कभी कभी मुझे थोड़ा थोड़ा वो नागिन का भी लग रहा था क्योंकि हम बहुत हैबिटेटेड है राइट. नागिन से ही वो उठी है कैरेक्टर. एक्चुअली थोड़ा सिमिलर काइंड का लग रहा था क्योंकि उसमें भी बहुत हाई मेकअप उसके साथ आंखों के ऊपर ज्यादा करके फोकस करना तो वो उस टाइप का एक कैरेक्टर था. लेकिन शी ट्राइड हर बेस्ट एंड इट वाज मार्वेलस टू सी हर ऑन द स्क्रीन लाइक डूइंग दैट नेगेटिव कैरेक्टर. इट वाज लाइक वेरी वेरी मच सुटेबल ऑन हर. मुझे लगता है उसको छोड़ के मुझे और कोई एक्टर एक्ट्रेस अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है कि ऐसा टाइप का रोल कोई अच्छा उनसे बेटर प्ले कर सकती थी. तो इन ब्रीफ ये स्टोरी में था कि बस ये जो ब्रह्मास्त्र अस्त्र है जो रखवाले हैं उनको ब्रह्मास्त्र को सेव करेंगे और जो भी जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो ट्राई करेंगे उन लोगों से वो ग्रैब करने के लिए. तो स्टोरी ब्रीफ ये हम बता रहे हैं और डिटेल्स में आपको देखना है तो थिएटर में जाकर के देखो ऑब्वियसली. और थोड़ा सा बता देते हैं कि रणवीर कपूर यहाँ पे एक एंट्री लेके आएंगे. उनके पास भी कुछ शक्तियां हैं. कैसे वो शक्तियां आता है वो भी वो आपको मतलब मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा. ऑफ कोर्स रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है इस मूवी में. क्या रोल है शाहरुख खान जी का ये सबसे सरप्राइजिंग चीज था शाहरुख खान जी का. एक्सपेक्ट नहीं किया था सीरियसली. मैं भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया सीरियसली शाहरुख खान जी कहाँ से आ गए. ये तो ना ट्रेलर में ना था टीजर में ना कोई आज तक इसके ऊपर बात किया. सीरियसली मुझे ऐसा फील लगा ओह माय गॉड सीरियसली ब्रह्मास्त्र मूवी देखने ही तो आए हैं. मुझे मतलब आई वाज शॉक्ड एंड लिटरली उनका जो कैरेक्टर था उनका जो मतलब इंट्रो का जो कैरेक्टर उसमें उनका यू नो अपीयरेंस दिखा इतना जबरदस्त लग रहा था ना क्या बताए प्योर कैरेक्टर था. तो ऐसे करके स्टोरी यू नो आगे बढ़ती है एंड उसके बाद ये स्टोरी अधूरा रह जाता है ऑफकोर्स क्योंकि इसका ये पार्ट वन ही है शिवा एंड टू में आपको सेकेंड जो भी इनका धीरे धीरे जो भी हो बहुत सारा कैरेक्टर है इस मूवी में आपको देखने के बाद पता चलेगा वो धीरे धीरे रिवील होगा. ओके, मेजर मेजर कैरेक्टर. तो ऐसे करके ये मूवी और हम नहीं बोलेंगे बिकॉज यू हैव टू गो टू द थिएटर एंड यू विल बी वाचिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ दिस मूवी. उसके बाद हम नेगेटिव में आएंगे उसके बाद और जो भी डिटेल्स है वो शेयर
करेंगे। हाँ, सो मेरे ख्याल से मैं अपना पहले बता देती हूँ, उसके बाद अभय बोलेंगे। तो मेरा जो थॉट है वो है, इस मूवी का दो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, वो है एक तो है VFX जो हाई लेवल का, आई गेस ये चीज जो है वो सबको क्या बताए, मतलब जबरदस्त VFX था। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा फील हो रहा था वाओ, मतलब आपके मुंह से ये निकल जाएगा कि ऐसा ऐसा हम मतलब VFX ऐसा लेवल का एडिटिंग हम शायद ही कोई मूवी में इंडियन मूवी के लिए, सीरियसली मैंने बोला तो ये फर्स्ट ऐसा मूवी है जो कि VFX के ऊपर इतना खर्चा किया हुआ, इतना खर्चा हुआ आपके इस मूवी में, हर कुछ कुछ सेकंड के बाद, सेकंड नहीं हर मिनट के बाद यहाँ पे देख पाओगे कुछ ना कुछ एक VFX आपको दिखेगा ही सारा मूवी में। मुझे तो लग रहा है कि मतलब सेकंड क्या पूरा मूवी पूरा 99.99% मूवी VFX के ऊपर है। वो ऐसा हम कोई ऐसा इस चीज के लिए नहीं बोल रहे कि VFX के ऊपर है, इट्स अ वेरी जेन्युइन काइंड ऑफ वर्क एक्चुअली। सुपीरियर लाइक काइंड ऑफ एक हेवनली काइंड ऑफ मुझे फील करवा रहा था कभी कभी, जो एक म्यूजिक था ना म्यूजिक ये जो आपको ये ट्रेलर में भी है ये म्यूजिक ऑफ कोर्स, तो ये और केसरिया तेरा वो तो मतलब एकदम फेमस ऑलरेडी है, तो आप झूम जाओगे कभी कभी, ऐसा लगेगा वाओ। सॉन्ग का काइंड ऑफ डाउट नहीं, सॉन्ग मोटामोटी अच्छा है, इसमें सॉन्ग अच्छा ही है। यस, आल्सो BGM में जो मतलब एंट्री हो रहा था जब कैरेक्टर्स का मारपीट हो रहा था उसमें जो BGM जैसा प्रॉपर BGM होना चाहिए ना वैसा है, तो ये दो चीज मुझे जबरदस्त लगा। VFX तो मतलब वाह 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 मेरे तरफ से। और उसके साथ साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि वो शाहरुख खान जी का एंट्री वो जबरदस्त था। किंग खान का एंट्री जैसा होना चाहिए, किंग का एंट्री वैसा ही लगा, किंग का ही वैसा एंट्री था, वो बहुत बहुत जबरदस्त था, राइट। और बाकी ये मूवी जितना भी गया वो कभी अप्स कभी डाउन्स तो था ही, तो ये था हमारे तरफ से पॉजिटिव थिंग। अच्छा, तुम भी यही दोनों पॉजिटिव? ऑफ कोर्स, यही एक आई गेस आप अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल को ये VFX जो चीज है और म्यूजिक जो चीज है वो सबको पसंद है, सबको पसंद आने के जैसा है एक्चुअली। और यस, और उसके बाद जितना सबसे अब नेगेटिव पॉइंट में अगर हम आते हैं, नेगेटिव पॉइंट में बहुत जल्दी चले हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट जो था स्टोरी लाइन, ये जो ब्रह्मास्त्र एक टॉपिक है बहुत हेवी टॉपिक है, इस पे आप इतने जबरदस्त काइंड के स्टोरी के साथ आप मूवी बना सकते हो कि कोई भी देख करके बोलेंगे वाओ क्या स्टोरी है, क्या क्या मतलब थॉट है, राइट। क्या नाम था जो डायरेक्टर, वो आयन मुखर्जी, आयन मुखर्जी की वो 10 years स्पेंड किए इस मूवी के लिए। 10 years के बाद फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा स्टोरी के लिए हमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि इस टाइप का स्टोरी नहीं लाया, मतलब कुछ हद तक ब्रह्मास्त्र शुरू हुआ उसके साथ साथ तुम्हारा ये लव स्टोरी का एंगल जो जोड़ना, मतलब क्या हजम नहीं हो रहा था, नहीं हजम नहीं हो रहा था। एंड आल्सो मुझे लगा कि बहुत अननेसेसरीली ड्रैगिंग हो रहा था, मतलब जैसे एक चीज जो आप मतलब 2-3 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो उसको अननेसेसरीली 10-15 मिनट तक उस टॉपिक में घिसा पिटा डायलॉग के साथ आप प्रेजेंट कर रहे हो। उस जगह में अगर आप कुछ और ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देते या फिर कुछ और कैरेक्टर को इंक्लूड करते, माइथोलॉजिकल रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे डिस्क्लोज करते तो बेटर रहता, क्योंकि यस आई नो दैट दिस इज अ यू नो लव काइंड ऑफ थिंग, तो रहेगा इसमें रोमांटिक चीज है, बट इतना ज्यादा करने की मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, क्योंकि मूवी का एक एट द एंड आप अगर पूरा मूवी देखोगे एक थीम सेटअप हो जा रहा है कि आपके प्यार की वजह से ही ये सब चीज हुआ है। और मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हो रही थी, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता दूसरे कोई व्यूअर्स का ये थॉट है या नहीं, बट मैं ऐसा फील कर रही थी कि मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ब्रह्मास्त्र हेवी टॉपिक है, राइट, आपको समझ में भी आना चाहिए। अलग माइंड सेट से हम गए थे उस मूवी को देखने के लिए, राइट, हमें मैं समझने की कोशिश ही कर रही थी, मतलब उसमें वो मतलब एक प्यार का चीज आ जा रहा है, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन बना रहा था। उसके साथ साथ इतना आसानी से लड़की पड़े रहती है, सीरियसली पड़े जाती है, मतलब सीरियसली एक ही झटके में रुपए में, मतलब हाँ तुम क्या कर रहे हो, मैं तो चार्ज में हूं। और उसके बाद लड़की भी मतलब ऐसा स्टोरी दिखाया कि वो इतना इजी हो गई, इतना अटैचमेंट हो गया कि रणबीर कपूर कहीं भी जाए वो रेडी हो जाए जाने के लिए, एंड ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा था, इतना
बोल भी रही थी कि ऐसे किसी के भी घर पे कैसे वो चली जा रही है, मतलब कोई वो चोर हो सकते हैं, गुंडे हो सकते हैं, रेपिस्ट हो सकते हैं, आउट कैन कुछ भी हो सकता है, समवन बी लाइक दैट। सो ये और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही थी मुझे, आई डोंट नो अबाउट यू बट मुझे ये लव स्टोरी कुछ मतलब आई रियली डिडंट लाइक। बट यस आई एम नॉट टेलिंग कि उन लोगों का एक्टिंग खराब था, उन लोगों का एक्टिंग बहुत अच्छा था, स्टोरी लाइन के ऊपर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट। सो स्टोरी लाइन थोड़ा सा लैगिंग था एंड मेन टॉपिक से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हम हो रहे थे। अगर ये इसमें लव स्टोरी एंगल अगर नहीं आता तो शायद और भी बेटर हो सकता था, और भी इस चीज के ऊपर और भी ज्यादा बेटर बेटर इन्फॉर्मेशन भी आ सकता था। अब कुछ कुछ लोग ऐसे बोले VFX तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा VFX हो गया है, मतलब थोड़ा सा और कम होकर के थोड़ा सा मीनिंगफुल अगर होता ना तो और ज्यादा बेटर होता है। हाँ। ऐसा भी कुछ कुछ लोगों का ये थॉट है, ये हमारा थॉट नहीं है, हमारा हमें VFX रिलेटेड हम मूवी बहुत देखे हैं, एक्सपेक्टेशन था कि बॉलीवुड अगर कर रही है तो थोड़ा हाई लेवल का ही करे। यस एंड ऑल्सो और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि कभी कभी यहाँ पे ये मूवी में मतलब थोड़ा थोड़ा आपको इमोशनल टच वगैरह रहेगा, थोड़ा इमोशन के ऊपर कुछ यू नो टॉपिक है डिस्कस हम नहीं करेंगे उतना, लेकिन हाँ इसमें मतलब आलिया भट्ट उसके बॉयफ्रेंड जो है ऑफ कोर्स रणवीर कपूर, तो उसको शिवा शिवा करके ऐसे बुला रही थी, बट उसमें ना कोई वो नहीं था, मतलब शिवा शिवा ऐसे मुझे ऐसा लग रहा था, कोई इमोशन नहीं लग रहा था मुझे, लग रहा कि मतलब जब एंड का 20-30 मिनट्स जब हुआ उस टाइम मैक्सिमम टाइम आलिया भट्ट सिर्फ एक ही वर्ड बोली होगी, सेवा सेवा सेवा, और उसमें कोई वो दिल नहीं था, वो चाहत होता है ना मतलब एक बचाने का शिद्दत, पता नहीं मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है बट मैं बोलना चाहती हूँ कि तो वो इमोशन मुझे मिसिंग लगा। ठीक है तो आई डोंट नो ये मुझे थोड़ा थोड़ा ड्रॉबैक लगा, तो ओवरऑल ड्रॉबैक भी है यू नो अच्छाई भी है, ये मूवी है दोनों मिला के एक ऐसा चीज बहुत अच्छा है कि VFX इसका इतना अच्छा था, मतलब है कि ये मूवी मतलब एक एवरेज काइंड ऑफ द मूवी है, एवरेज ठीक है, एवरेज भी नहीं बोलेंगे, एवरेज जस्ट थोड़ा सा ऊपर, जस्ट थोड़ा ऊपर, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं है। और उसके बाद इसके साथ साथ एंड में एक और चीज रिवील किया है जो आपको जाकर के थिएटर में देखना है, वो नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या रिवील किया हुआ है, इंटरेस्ट आएगा ऑफ कोर्स। एंड आज मतलब ये मूवी देख करके लगा कि हां बॉलीवुड के पास है दम, हाँ। बट उसको सही से यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज अगर सही से किया तो होपफुली नेक्स्ट पार्ट एकदम हाई जाएगा, बहुत बहुत अच्छा जाएगा। तो अभी बारी आती है पॉइंट्स देने के लिए, तो मैं पॉइंट्स देती हूं इस मूवी में 7 out of 10। यस ऑफ कोर्स एंड फॉर योर माय साइड आई विल 7 out of 10 व्हिच इज अ डिसेंट रेटिंग आई थिंक। एंड यस आपको कैसा लगा हमारा थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन है, अदरवाइज तो एक्टिंग के हिसाब से तो मैंने नागार्जुना सर, फिर अमिताभ बच्चन सर, फिर रणवीर कपूर, फिर हमारा किंग खान, मतलब किसी के बारे में कोई तुलना ही नहीं होता है, दे ऑल आर गुड इन देयर। आलिया भट्ट का भी तो पर्सपेक्टिव, आलिया भट्ट आल्सो स्टोरी लाइन में एक और चीज मुझे अभी याद आया कि आलिया भट्ट का ऐसा की रोल नहीं है, जस्ट एक लव एंगल दिया हुआ है, इसलिए दे हैव टू इंक्लूड सम फीमेल कैरेक्टर, बस उसी के लिए इंक्लूड किया, दैट्स ऑल, उनका उतना कुछ मतलब सही में की रोल नहीं है, सही में। तो बस इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो, अगर कुछ छूट गया है, कुछ मिसिंग लग रहा है आपको प्लीज बताइए, हमसे अगर कुछ डिससैटिस्फैक्शन हो ही सकता है राइट, हमारा ये रिव्यू आपका थॉट अलग हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी गाइस। एंड यस आप अपना जो राय है बता सकते हैं इन द कमेंट बार, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द लाइक बटन टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।